दोस्तों, अगर आपका फोन 4G है और आप उसे चाहते हैं 5G में बदलना, तो यह आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने 4G फोन को 5G में कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने फोन को 5G में बदल लेंगे तो फिर आपके फोन का इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक VPN सेटिंग बताऊंगा जो आप अपने फोन में अप्लाई कर लेंगे, फिर आपका फोन 5G में बदल जाएगा। सिर्फ आपको एक VPN सेटिंग अपने फोन में अप्लाई कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने 4G फोन को 5G में कैसे बदल सकते हैं। तो 4G फोन को 5G में बदलने के लिए आपको सिर्फ एक सेटिंग अपने फोन में अप्लाई कर लेना है, VPN सेटिंग। वह सेटिंग को कैसे करना है, चलिए मैं अभी आपको बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स ओपन मैं कर लिया हूं। अब आपको यहां पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, जो भी आपका सिम होगा उस पर आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपका जियो या एयरटेल, जो भी आपका सिम होगा आप उस पर यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। इसमें एक बात का खासियत है कि आप कोई भी सिम को 5G में बदल सकते हैं, चाहे आपका कोई भी कंपनी का सिम हो आप उसे 5G में बदल सकते हैं। तो आपको उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम्स का बटन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं एक्सेस पॉइंट नेम्स के बटन पर। अब आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर न्यू VPN का बटन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं न्यू VPN के बटन पर। अब यहां पर एक फॉर्म खुलकर आया है, तो आपको इस फॉर्म को जैसे मैं अभी भरूंगा उसी तरह से आपको अपने फोन में भर देना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर नेम का बटन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं नेम के बटन पर। उसके बाद यहां पर जो मैं लिखूंगा वैसे ही आपको अपने फोन में लिखना है। सबसे पहले आपको यहां पर स्पीड, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं उसी तरह से आपको लिखना है। आपको सबसे पहले स्पीड कॉल, आपको इसी तरह से स्पीड टेस्ट 5G रिकॉल लिखना है। आप यहां पर देख लीजिए जो जो बड़ा लेटर होगा वह आप यहां पर बड़ा लेटर दीजिएगा। यहां पर सबका फर्स्ट लेटर बड़ा लेटर है और यहां पर 5G में बड़ा लेटर है G का। तो आपको जैसा यहां पर लिखा हुआ है वैसा ही आपको अपने फोन में लिखना है। बस आपको इस तरह से लिखकर यहां से आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर VPN का बटन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं VPN के बटन पर। उसके बाद आपको यहां पर लिखना है 5G, आपको यहां पर लिखना है जेन, उसके बाद आपको यहां पर 2, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5G जेन 2 वैसे ही आपको अपने फोन में लिख देना है। बस आप जिस तरह से यहां पर लिखा हुआ है उसी तरह से आप अपने फोन में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहां से ओके करना है और यहां पर आपको थोड़ा नीचे आना है। प्रॉक्सी नॉट सेट ही रहेगा और पोर्ट नॉट सेट ही रहेगा। उसके बाद आपको यूजर नेम पर क्लिक करना है और यहां से आपको यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम में क्या लिखना है मैं अभी आपको बताता हूं। यूजर नेम में आपको लिखना है 5G, उसके बाद आपको यहां पर डॉट लगाना है। उसके बाद अब आपको अपने सिम का नाम लिखना है, जैसे आपका सिम जियो का है तो आपको यहां पर जियो लिखना है, या अगर आपका सिम एयरटेल का है तो आपको यहां पर एयरटेल लिखना है। जैसे मेरा सिम जियो का है तो मैं यहां पर जियो लिखता हूं। अब आपको यहां पर हैक्स लगाना है, HEX, बस आपको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपको यहां से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा नीचे आना है, पासवर्ड में नॉट सेट ही रहेगा। उसके बाद आपको यहां पर सर्वर पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है www.google.com, उसके बाद आपको यहां से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा नीचे आना है और यहां पर MMSC में नॉट सेट रहेगा, MMS प्रॉक्सी में भी नॉट सेट रहेगा और यहां पर MMS पोर्ट में भी नॉट सेट रहेगा और यहां पर MCC और MNC है। इसमें कुछ नंबर है, MCC में 405 नंबर है और MNC में यहां पर 856 नंबर है। तो यह दोनों में आपके फोन में अलग नंबर भी हो सकता है, क्योंकि यह नंबर आपके एरिया के हिसाब से मिलता है। मेरा अलग एरिया है तो मेरा यहां पर अलग नंबर दिखा रहा है, आपका कुछ अलग एरिया होगा तो आपके कुछ अलग यहां पर नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसे बदलना नहीं है, आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जो MCC और MNC है आपको इसे बदलना नहीं है, क्योंकि वह नंबर आपके एरिया के हिसाब से दिया होगा तो आपको उसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहां पर ऑथेंटिकेशन टाइप का बटन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर PAP पैक पर सेट कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर APN टाइप एंड नॉट सेट, आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर APN प्रोटोकॉल का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको IPv4/IPv6 इस पर आपको सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी IPv4/IPv6 इस पर सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर बैरियर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो जो मैं अभी सेट करूंगा वही वही आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको LTE पर सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर HSUPA के बटन पर सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर HSDPA के बटन पर सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर GPRS के बटन पर सेट करना है। उसके बाद आपको EHRPD के बटन पर सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर EVDO B पर सेट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर 6 वो को सेलेक्ट किया हूँ, तो आपको भी यहाँ पर अपने फोन में 6 वो को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए मैं कौन कौन 6 वो को सेलेक्ट किया हूँ, वही आप अपने फोन में यह 6 वो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3, 3, 3, 6, मतलब यहाँ पर आपको 6 वो को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए 6 वो को, उसके बाद आपको यहां से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर MVNO टाइप का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको नन पर सेट कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। जैसे जैसे मैं अभी आपको फॉर्म भरने के लिए बताया हूं, उसी तरह से इस फॉर्म को आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहां पर मोर का बटन है, यहां पर 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर स्पीड टेस्ट 5G रिकॉल का बटन है, इस पर आपको सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। अब आपको अपने फोन को रिबूट कर देना है, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपका फोन पूरे 5G की तरह काम करेगा। पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका फोन 4G है तो 4G ही रहेगा, आपका फोन 5G है तो 5G ही रहेगा। सिर्फ अगर आपका फोन 4G है तो आपका फोन 4G ही रहेगा, पर आपके फोन का इंटरनेट स्पीड पूरी तरह से 5G की तरह काम करेगा अगर आप यह कर लेते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।